तो हे गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. तो ये गाइस, हम आ चुके हैं आज हुंडई शोरूम में और हम वेन्यू का रिव्यू करेंगे यहाँ पे आज। तो हम गीता हुंडई पे आए हैं। इनका पूरा डिस्क्रिप्शन मैं, इनका पूरा एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप ज़रूर आके विजिट कर सकते हैं अगर आप अयोध्या के हों। तो फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं तो फ्रंट प्रोफाइल इसका काफ़ी सिमिलर टू क्रेटा आ जाता है। इधर आपको DRLs मिल जाते हैं और इधर आपको जो सेटअप लैम्प मिल जाता है, यहाँ हेलोजन नॉर्मल हेलोजन मिलता है। ये जो DRLs हैं इसके, वो हर टाइम जलते रहते हैं, मतलब वही दिन में जलने वाले। और ग्रिल की बात करें तो अब बहुत अच्छा क्रोम फिनिश मिल जाता है ग्रिल में, और इधर आपको फिनिश बहुत अच्छा मिल जाता है। इधर यहाँ पे आपको फॉग लैम्प मिल जाता है जो कि मेरे ख्याल से प्रोजेक्टर ही है या LED होगा। टायर प्रोफाइल की बात करें तो टायर प्रोफाइल आपको मिल जाता है 215/60R15 15 inches के। आपको डायमंड के अलॉय व्हील मिल जाते हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब काफ़ी अच्छे लगते हैं इस डिज़ाइन। यहाँ पर आपको प्लास्टिक फिनिश मिल जाती है डुअल टोन टच देने के लिए। टायर प्रोफाइल की बात करें तो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ दिखती है, मतलब बहुत बैलेंस डिज़ाइन दिखता है। दो ये क्या कहते हैं वो सेंट्रल प्लेटफॉर्म बनाई गई है, बट आप दूर से देखोगे तो आपको छोटा क्रेटा का छोटा भाई लगेगा ये, जो कि अगर आप DC लैंग्वेज में बोलिए तो। यहाँ पे पैसिव एंट्री या तो कीलेस एंट्री आपको नहीं मिलती है। से बात करते हैं गाड़ी की, बहुत अच्छी डायमेंशन मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दूँगा गाड़ी की। और रियर प्रोफाइल पर आते हैं, रियर प्रोफाइल गाड़ी का अच्छा लगता है, आप बहुत सिंपल एंड श्योर बनाया गया है गाड़ी को। ये देख सकते हैं ये SX वेरिएंट है गाड़ी का। और यहाँ पे आपको कहते हैं पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। हेडलाइट की बात करें तो हेडलाइट में आपको नॉर्मल हैलोजन लैंप मिलते हैं। ये शायद यहाँ पर LED ट्रिम आती है, मेरे को श्योर नहीं है, मैं आपको बता दूंगा बाद में वीडियो में। ये इंडिकेटर मिल हुंडई का बहुत मैसिव लोगो मिलता है यहाँ पर आपको, जो कि काफ़ी बढ़िया वेन्यू पता चल जाता है कि आपको हाँ वेन्यू ड्राइव कर रहे हो। और यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश आता है डुअल टोन देखने के लिए। एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे रिवर्स कैमरा मिलता है आपको, इस सेगमेंट रिवर्स कैमरा मिलना काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पता नहीं क्या प्लस का साइन है, वो मेरे को नहीं पता क्यों डाला था, ज़बरदस्ती फालो डाल दिया। ये टेक्सचर बहुत अच्छा लग रहा है आपको, थोड़ा स्पोर्टी लुक देने के लिए। बाकी ये था गाड़ी का रियर। यहाँ पर आपको मिल जाता है क्या कहते हैं ब्रेक लाइट मिल जाती है। ऊपर की बात करें तो आपको रूफ रेल्स मिल जाती है, रूफ रेल्स कहते हैं काफ़ी अच्छी लगती है इसमें। और सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे आपको सनरूफ मिलता है, आपको इस सेगमेंट की गाड़ी सनरूफ मिल रहा है, आप बहुत लकी हो अगर आप 10-12 लाख रुपए लेके कोई गाड़ी ले रहे हो। शार्क फिन एंटीना मिल जाता है आपको, अच्छा लगता है वो देखने में। और गाड़ी का C पिलर D पिलर काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पर आपको ब्लैक फिनिश मिलती है और ये मेरे ख्याल से हर वेरिएंट मिलती है, ये काफ़ी अच्छा हुंडई देता है यहाँ पे। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश है जो कि अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लुक है। आपको पीछे से देखो आप, गाड़ी कॉम्पैक्ट है बट मेरे ख्याल से जो शुरुआती बायर्स हैं, जो नई गाड़ी जाते हैं और थोड़ा ऊंचा चाहते हैं, उनके लिए वेन्यू काफ़ी अच्छी चॉइस। इस साइड आप देखें तो साइड बॉडी क्लैडिंग आती है, चढ़ने के लिए कुछ नहीं मिलता है आपको, सपोर्ट कुछ नहीं मिलता है, बट फिर भी इतना ऊंचा नहीं है, आप आराम चढ़ सकते हैं गाड़ी को। ये बॉडी क्लैडिंग काफ़ी अच्छी लग रही है, इंडिकेटर आपको ओवर VM से मिल जाते हैं जो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसका फ्रंट लुक काफ़ी अच्छा लगता है क्रेटा, या तो कह लीजिए कि इससे क्रेटा इंस्पायर है, क्रेटा इससे इंस्पायर है, बट हुंडई की जो नया डिज़ाइन में ये गाड़ी मेरे को सबसे अच्छी लगी है अभी तक इसके बजट के हिसाब से। इंटीरियर की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखने को आप मिल जाता है आपको इतने सारे कंट्रोल जाते हैं, ये आपके ORVMs कंट्रोल हैं, ये लॉक अनलॉक, ये शीशे कंट्रोल हैं, मतलब पावर विंडो कंट्रोल हैं। और यहाँ पे आपको खोलने का मिल जाता है दरवाजे खोलने का, और अंदर की तरफ बैठते ही आपको पता लग जाएगा कि आप टिपिकल हुंडई गाड़ी में बैठ चुके हो। हुंडई गाड़ियों में काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे कि ये जो है ये सिर्फ हाइट एडजस्टेबल स्टीयरिंग है। ये इसको दिखा सेंटर कंसोल दिखा दूँ आपको, गाड़ी ऑन करते ही काफ़ी एकदम बढ़िया से बड़ा डिस्प्ले आता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। सेंटर में आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, लेफ्ट साइड टैकोमीटर, और राइट साइड में आपको MID मिल जाती है जो दिखाती है कि टेम्परेचर गाड़ी क्या, कितने किलोमीटर चली है और माइलेज कितना दे रही है, फ्यूल बैटरी का और टेम्परेचर सब बताता है गाड़ी का।
इधर साइड आएंगे तो आपको बड़ा सा टच स्क्रीन मिल जाता है जो कि एशियन एप्पल कारप्ले और कई ऐसी सारी चीज़ें बताता है जो कि काफ़ी अच्छी हैं इस बजट के हिसाब से। इंटीरियर थोड़ा स्मूथ लगता है इस गाड़ी का, मतलब और भी अगर इस सेगमेंट की गाड़ी आप देखो तो इतना स्मूथ नहीं मिलता। स्टीयरिंग पे भी ये आपको लेदर टच मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आप इस सेगमेंट की गाड़ी में आपको कहीं जल्दी लेदर स्टिच स्टीयरिंग तो मेरे ख्याल से नहीं प्रोवाइड होता है। और एसी वेंट्स की बात करें तो एयर फ्लो काफ़ी अच्छा है एसी का। अश्विनी भैया हैं तो अश्विनी भैया हमको बताएंगे गाड़ी में क्या क्या फ़ीचर आते हैं, तो भैया ज़रा फीचर के बारे में बताइए गाड़ी का, जो जो अच्छे फीचर हैं गाड़ी के। एक फ़ीचर तो ये सबसे पहले तो ये बात है, ये सेकेंड टॉप गाड़ी है, SX है, टॉप मॉडल जो होती है SX ऑप्शनल होती है। उसमें क्या है, उसमें एक ये 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसमें आपको मिल जाएगा एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले और भी बहुत से फीचर हैं, कॉलिंग फीचर हैं, ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी आपको। और इसमें रियर पार्किंग कैमरा और सेंसर भी मिल जाता है। जैसे रियर पार्किंग कैमरा मैं आपको दिखा ही देता हूँ कि आप जैसे ही रिवर्स गियर डालने को ट्राई करते हो, जैसे ही रिवर्स कैमरा डालते हो आप, तो तुरंत जो है रियर कैमरा और एडाप्टिव गाइडलाइंस मिल जाती हैं आपको। और उसके बाद ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको जैसे जो टॉप मॉडल में भी और सेकेंड टॉप में भी मिल जाती है। ये SX है और टॉप मॉडल की SX ऑप्शनल है। और भैया इंजन विंजन के बारे में क्या कहना है आपका? इंजन जो है जो इस समय आ रहा है 1.5 लीटर का डीजल, और ये डीजल गाड़ी है जिसमें हम लोग बैठे हैं इस समय। तो भैया ने बताया कि 1.5 लीटर का CRD है। भैया पावर ओवर क्या दे रहा है गाड़ी? जैसे ये क्या है 4000 RPM पे ये 90 PS की पावर देती है। और इसके बाद इसमें दो इंजन और आते हैं, एक आती है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है और एक आता है 1.0 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन आता है। ये दोनों पेट्रोल इंजन ही है जी जी, लेकिन दोनों की पावर की बात करें दोनों की पावर अलग अलग है। जैसे डिफरेंस ये आ जाता है उसमें, जैसे 6000 RPM पे 120 PS की पावर देती है 1.2 लीटर का इंजन, और जो 1.0 लीटर का है वो 6000 RPM पे आपको 120 PS की पावर देगी। वो नहीं, 1.2 वाली 90 PS की पावर देती है और 120 PS की पावर देगी 6000 RPM पे ये वाली 1.0 टर्बो चार्ज इंजन। तो अभी जो हम लोग बैठे हैं ये कौन सा ट्रेन हम लोग हैं इसमें कौन सा? ये डीजल, ये तो 1.5 CRDI वाला है ना, CRDI वाला इंजन है तो ये डीजल इंजन है। अभी पेट्रोल वेन्यू आती है कि नहीं आती है? वही आती है 1 लीटर वाली, दोनों इंजन। हां 1.2 और 1.0 लीटर का, हां मतलब और इसमें सेफ्टी का भी कहते हैं, सेफ्टी में क्या क्या है, इसमें क्या क्या मिल जाता है? टॉप मॉडल में बात करें तो इसमें 6 एयरबैग दिया जाता है, ABS CVT पावर स्टीयरिंग और 6 एयरबैग के साथ आता है, और सेकंड टॉप में डुअल एयरबैग रहता है। चलो सेफ्टी भैया ने बताई थी। और भैया वो वाइपर क्या ऑटोमेटिक आते हैं कि नहीं? नहीं, इस मॉडल में वैसे ही मैनुअल ही है। जैसे इस वाले में तो मैनुअल ही आपको कंट्रोल मिलेंगे। और हेडलाइट भैया? हेडलाइट जैसे इसमें प्रोजेक्टर हेडलाइट दिया हुआ है, मैनुअली ही। मतलब इसमें आपको ये सब फीचर ऑटोमेटिक नहीं मिलते हैं? नहीं। बात करते हैं सनरूफ पे, तो यहाँ सनरूफ आपको मिल जाता है जो कि आज के यूथ की बहुत पहली पसंद हो गई। तो भैया सनरूफ जरा बताइए, सनरूफ क्या क्या है इसमें? सनरूफ सेकंड टॉप और टॉप दोनों वेरिएंट में आता है, और जैसे SX और SX ऑप्शनल दोनों में सनरूफ मिल जाता है आपको। आपको यहाँ पे वो नहीं मिलता है, सनग्लास होटल नहीं मिलता है, बट यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाती हैं। स्पीकर का भैया क्या कहना है, स्पीकर कितने हैं इसमें? ये जैसे ये स्पीकर इसलिए दिया हुआ है, जैसे इसमें कॉलिंग फीचर दिया हुआ है। जी जी जी। जैसे हम कॉल रिसीव करते हैं, ये जो बटन दी हुई है यहाँ से कॉल रिसीव करते हैं, तो ये माइक दिया हुआ है, इसी से जैसे हम लोग जो बोलते हैं आवाज़ फोन में सुनाई देती है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि हमें माइक भी दिया हुआ है, साथ में स्पीकर भी है। हाँ, स्पीकर तो ये लगे हुए हैं, जैसे वो कॉलिंग के लिए है सिर्फ, मतलब मेनली कॉलिंग के लिए यही है। चलिए काफ़ी अच्छा फीचर है, मतलब आप ड्राइव करते करते। और स्टीयरिंग माउंट फीचर आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं यहाँ पे, आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, कॉल कैंसिल करने का, कॉल उठाने का, वॉल्यूम बढ़ाने का, मोड्स आपको मेरे ख्याल से इसका सेट करने के लिए मिलते होगा ना? मोड उसका सेट करने के लिए कैसे? और वॉइस कमांड भी इसमें मिलता है कि? वॉइस कमांड भी मिलती है, जैसे वो इसमें मिल जाता है अगर आप फ़ोन से एकदम कनेक्ट किए हुए हैं। जी जी, यहाँ से ये मिल जाता है, वॉइस कमांड मिल जाता है यहाँ पर। चलिए ये काफ़ी अच्छा फीचर है, सब कॉम्पैक्ट SUV है, काफ़ी अच्छा लगता है गाड़ी में बैठ के, बिल्कुल प्रीमियमनेस फील होती है। ये कह सकते हैं ऑन रोड ड्राइव के जैसे एक्स शोरूम प्राइस, गाड़ी की प्राइस जो है 11,39,800 रुपये है, जो गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस है टॉप मॉडल की। और जो सेकेंड टॉप है वो है 9,99,999 रुपये सेकेंड टॉप की प्राइस ये गाड़ी जो है, मतलब 10 लाख रुपए में वेन्यू घर ले सकते हो। हाँ हाँ, ये काफ़ी अच्छा है भैया ने बताया। और कंफर्ट लेवल की बात करें तो बहुत बढ़िया है, मेरे को, मैं 6 फुट का हूँ बट फिर भी मेरे को लेग सपोर्ट बहुत बढ़िया मिल रहा है, पीछे बहुत सपोर्ट अच्छा मिल रहा है। भैया इसका सीट जो है ऑटो एडजस्टेबल है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक है कि मैनुअल है? नहीं, मैनुअली आप ऑटो एडजस्ट इस पे नहीं मिलेगा, आपको मैनुअली ही करना होगा इसमें, आगे पीछे कर तो इसमें ऊपर नीचे भी, ड्राइविंग सीट ऊपर नीचे भी कर सकते हैं जी। इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। बात पीछे बहुत अच्छा है इसमें, आपको क्या कहते हैं, पीछे AC वेंट्स मिल जाते हैं जो कि
विटार ब्रिज़ा में आपको देखने नहीं मिलते हैं, बट आपको वेन्यू मिल जाता है। स्पेसिंग की बात करें तो स्पेसिंग काफ़ी अच्छी है गाड़ी में, और यहाँ पे आपको सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे भी शायद सेंटर आर्म नहीं, यहाँ पे शायद सेंटर आर्मरेस्ट नहीं दिया गया, बट फिर भी बैक सपोर्ट अच्छा है। इसका बूट बहुत अच्छा है, वो अनफॉर्चुनेटली मैं दिखा नहीं पाऊँगा इस टाइम, बट इसका बूट स्पेस बहुत अच्छा है आपका, बहुत बढ़िया से आप लगेज फेयर कर सकते हो गाड़ी में। बाकी प्रीमियमनेस तो है गाड़ी में, वैसे उतना ख़राब नहीं है और उतना अच्छा भी नहीं कहेंगे, बीच बीच का है प्रीमियमनेस गाड़ी में, बढ़िया है। और देख सकते हैं आपकी लेग रूम काफ़ी है गाड़ी में, और हेड रूम भी काफ़ी, मतलब उतना नहीं है बट फिर भी। और ये सनरूफ आप देखो कितना सही दिखता है, इसमें पैनोरामिक नहीं आता है बट फिर भी आप एक आप फील कर सकते हो सनरूफ को, कोई भी खड़ा होके मज़ा ले सकता है सनरूफ का। तो ये हमारा क्विक रिव्यू हुंडई वेन्यू का। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और उस बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।